हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, आज हम इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का चल रहा है, तो आज हम इसके पार्ट सिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके पहले का जितना भी हमने पार्ट था सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के नाम से एक ऑनलाइन एग्जाम 2021 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें सारे क्वेश्चन हमने एड कर दिए हैं। तो उसमें जाकर के देख लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन छूट ना पाए। तो बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्या है कि 63 वाला कि 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा 30 डिग्री का कोण होता है कितनी रेडियन के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा 30 डिग्री का कोण होता है यदि आप इसमें पाई बटे 180 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो रेडियन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 आएगा। तो 30 डिग्री के दिन रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 6 के हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछना कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे 60 डिग्री पूछ लिया कि 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे पाई बाई 6 से इसमें पाई बाई 180 से आप क्या करेंगे गुणा करा देंगे। तो जब देखिए इसको जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 18 यानी कि पाई बाई 3 आ जाएगा। यदि आप 60 डिग्री का रेडियन को चेंज में करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा रेडियन चेंज हो जाएगा। तो आप इसको याद करिएगा। बाकी 30 डिग्री का जो हम यहाँ पे मान होता है पाई बाय 6 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए क्या है कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो हमारा जो 90 डिग्री होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 90 को लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे पाई बाई 180 से गुणा करा देना है और 0 से 0 कट जाएगा और 9 दिन 18 हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 आएगा। तो ऑप्शन में यदि पाई बाई 2 कहीं दिया गया है तो वही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी दिया गया है तो इसीलिए यहाँ पे पाई बाई 2 सही हो जाएगा और पाई वाला गलत हो जाएगा, पाई बाई 3 रॉन्ग हो जाएगा, पाई बाई 6 रॉन्ग हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए क्या है कि 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा जो 2 पाई रेडियन होता है कितने डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए पाई का जो वैल्यू होता है क्या होता है, पाई का जो मान होता है 180 होता है, आपको पता ही है। तो 180 का यदि 2 में गुणा करा देंगे तो 18 दिन 36 यानी कि 360 डिग्री आ जाएगा। तो 65 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। बाकी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि एक ज़्या तरंग एक चक्र पूरा करती है। देखिए एक जो ज़्या तरंग होती है पूरा चक्र एक पूरा चक्र यदि पूरा करती है यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाएगी। पहली बात ये हो गई, कोई अगर ज़्या तरंग होगी यदि एक चक्र पूरा करेगी मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ से 360 सही हो जाएगा। और 360 को हम अगर रेडियन में कहेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वन टाइम पीरियड भी इसको कहते हैं, तो वन टाइम भी सही हो जाएगा और ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो 66 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और 67 देखिए क्या है कि एक ज्या तरंग एक चौथाई चक्र पूरा करती है। तो एक चौथाई का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई एक चक्र है इसका मतलब चौथाई भाग, मतलब कि यहाँ पे देखिए यदि आप इसको 4 भागों में बांटेंगे मतलब क्या कि इसको 4 से भाग देंगे, तो यदि 360 डिग्री का कोण बनाता है और इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई बाई 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ज्या तरंग एक चौथाई चक्र पूरा करने में पाई बाई 2 का समय लेगी, 90 डिग्री भी लेगी और T/4 भी लेगी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरह। 68 की तरह देखिए क्या है कि किस तरंग का RMS मान तथा औसत मान बराबर होता है। तो किस तरंग का जो है RMS मान तथा औसत मान बराबर होता है। तो स्क्वायर वेव होती है यानी कि जो वर्ग वेव होती है उसका जो RMS होता है यानी कि वर्ग माध्ममूल होता है और औसत मान होता है क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी साइन वेव तो नहीं होगा, ट्रिंगुलर वेव तो नहीं होगा और सूत वेव साउथ वेव भी नहीं होगा। तो यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। देखिए क्या है कि एक 50 हर्ट्ज वाली ज्या तरंग का समय काल होता है। तो देखिए एक 50 हर्ट्ज की जो ज्या तरंग होती है उसका जो समय काल होता है क्या होता है 20 मीटर सेकेंड होता है। तो आप इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए क्या है कि एक 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ज्या तरंग का समय काल होता है। तो 20 हर्ट्ज वाली आवृत्ति का जो ज्या तरंग होता है उसका समय काल क्या होता है।
5 मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्या है कि देखिए 71 क्या है यहाँ पे कि एक 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली जया तरंग की एक्सप्रेशन होती है। तो जो हमारी 50 हर्ट्ज वाली आवृत्ति होती है उसकी जो एक्सप्रेशन होता है sin 2 πr(l) होता है। तो यहाँ पे यदि आप क्या करेंगे क्या कहते हैं सॉरी sin 100 πt होता है। तो यहाँ पे इसका जो 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली जया तरंग है उसका जो एक्सप्रेशन होगा आपका यहाँ पे sin 100 πt हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए क्या है sin 200 πt नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है कि एक 70 हर्ट्ज आवृत्ति वाली जया तरंग की एक्सप्रेशन होती है। तो जो 70 हर्ट्ज वाली आवृत्ति की जया तरंग होती है उसकी एक्सप्रेशन 100 sin 440 T और 200 sin 400 T -π/2 300 sin 400 T+60 आल आप दीजिए। यानी कि इसमें क्या होता है 70 हर्ट्ज वाले में जो जया तरंग की एक्सप्रेशन होती है सारे होंगे यहाँ पे। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्या है देखिए 73 आपका क्या है कि दो जया क्या कहते हैं यहाँ पे सॉरी कि दो जया वोल्टताओं 100 sin और ब्रैकेट में 440 T+30 डिग्री तथा 400 sin 440 T+80 डिग्री के मध्य कालांतर होता है। तो इसके मध्य जो कालांतर होता है यहाँ पे क्या होता है 50 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से इसको समझ लेंगे। और बाकी देखिए यहाँ पे क्या होता है जिसे कालांतर याद कैसे करते हैं, जो कोण होता है उसे घटा देते हैं तो आपका कालांतर आ जाता है यहाँ पे। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए कि दो जयाओं वोल्टताओं के मध्य जो कालांतर होता है 50 डिग्री का होता है। तो आप इसको यहाँ से ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है कि दो जया वोल्टताओं 100 sin 440 T+ क्या कहते हैं यहाँ पे 30 डिग्री और क्या कहते हैं यहाँ पे sin 440 T -80 डिग्री तो के मध्य कालांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 83 जो यहाँ पे कोण है इनको जोड़ दिया गया तो 110 डिग्री हो गया। यहाँ पे दोनों प्लस में था तो यहाँ पे क्या कर दिया घटा दिया गया 80 और 30 को तो 50 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं यहाँ पे जो माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में कोण का कर देंगे यहाँ पे जब माइनस प्लस में होगा जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री और जब कोण दोनों प्लस में होंगे फिर उनको घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। तो इस प्रकार से आप कलंतर याद कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन नंबर देखिए क्या होता है कि 75 होता है। देखिए कलंतर का मतलब क्या होता है कि कलाओं में अंतर। कलंतर मतलब क्या होता है कलाओं में अंतर। तो मान लीजिए एक θ1 है और एक -θ2 है तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैसे जुड़ जाता है इसको बता दे रहे हैं कि देखिए पहले से -θ θ होता है ये सूत्र में। जब यहाँ पे हम -80 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है +80 और यहाँ पे कहता है 30 था तो 8 3 11। इस प्रकार से आप कलंतर याद कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। बाकी 75 देखिए क्या कि धारा का चुंबकीय समरूप है। तो धारा का जो चुंबकीय समरूप होता है फ्लक्स होता है। यानी जो धारा का चुंबकीय समरूप होता है यदि आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर तो आप उसमें धारा का चुंबकीय समरूप फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फ्लक्स होता है MMF जो होता है चुंबकीय वाहक बल का होता है। रिलक्टेंस तो एक अलग चीज़ है। रिलक्टेंस जो होता है प्रतिरोध जैसा वह भी होता है और परमियलिटी क्या होती है चुंबकत्व तो होता है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। और बाकी देखिए 76 देखिए क्या है कि विद्युत वाहक बल का चुंबकीय स्वरूप है या फिर स्वरूप है। तो विद्युत वाहक बल का हमने भी बताया कि MMF होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लक्स का तो हमने बताया कि धारा का होता है धारा का चुंबकीय स्वरूप होता है। रिलक्टेंस जो होता है इस एक प्रकार से जो है प्रतिरोध का होता है और परमेबिलिटी जो होती है चुंबकत्व का होता है। तो बाकी यहाँ से देखिए आगे क्या है कि 77 क्या है कि प्रतिरोध का चुंबकीय समरूप है। तो प्रतिरोध का चुंबकीय समरूप क्या होता है रिलक्टेंस होता है जैसे कि हमने आपको बताया। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी फ्लक्स तो आपने बताया है कि फ्लक्स इसका होता है और MMF इसका होता है। परमेबिलिटी जो होती है चुंबकत्व का होता है या फिर चालकता कह सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं चलिए देखते हैं 78 क्या है कि चालकता का चुंबकीय समरूप है। तो यहाँ पे परमीएबिलिटी है तो मतलब यहाँ पे देखिए समरूप का मतलब समान है। तो जैसे धारा में क्या होता है चालकता होता है धारा में क्या होता है चालकता होता है इसीलिए चुंबक में क्या होता है इसी प्रकार से परमीएबिलिटी होती है। परमीएबिलिटी मतलब कि चुंबकशीलता। परमीएबिलिटी मतलब क्या होता है चुंबकशीलता। तो यहाँ से चालकता का समरूप क्या हो जाएगा चुंबकीय समरूप की परमीएबिलिटी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी
फ्लक्स वाला हमने बताया ही कि धारा का चुंबक के समरूप है, MMF विद्युत वाहक बल का चुंबक के समरूप है, और रिएक्टेंस जो है प्रतिरोध का, यानी कि यहाँ पे तुलना की जा रही, धारा धारा और चुंबक के मध्य क्या की जा रही, तुलना की जा रही है कि प्रतिरोध का प्रतिरोध के समान कौन किसका व्यवहार है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस का है, चालकता के समान किसका व्यवहार है, तो परमिएबिलिटी का है, विद्युत वाहक बल के समान किसका व्यवहार है, तो MMF का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से तुलना की जा रही है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे समझ पाए होंगे। बाकी बढ़ते हैं 79 की तरफ। देखिए क्या है कि 79 देखिए क्या है हमारा कि अवशेष चुंबकीय घनत्व को कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा अवशेष चुंबकीय घनत्व होता है उसको हम रिमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमेंस कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी परमिएबिलिटी चुंबकत्वता को कहते हैं, और रिलक्टेंस एक प्रकार से प्रतिरोध को कहते हैं। बाकी यहाँ से अवशेष का चुंबकीय घनत्व क्या हो जाएगा? रिमेंस हो जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा। और 80 क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कुचालक का विद्युत गुण है? तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कुचालक का विद्युत गुण है, और वीदर एबिलिटी भी नहीं है, टेंशन लाइन स्ट्रेंथ भी नहीं है, हीट रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुचालक का विद्युत गुण डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 81 देखिए गया कि निम्न में से कौन सा कुचालक का रासायनिक गुण है? तो देखिए यहाँ पे विद्युत गुण पूछा था, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। और यहीं पे यदि कुचालक का रासायनिक गुण पूछ ले तो आप वीदर एबिलिटी पे टिक लगा देंगे, तो यानी वीदर एबिलिटी हो जाएगा। तो रासायनिक गुण क्या हो जाएगा कुचालक का? वीदर एबिलिटी। विद्युत गुण क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और आगे देखिए 82 वाला क्या है कि निम्न में से कौन सा कुचालक का भौतिक गुण है? तो अब यहाँ पे भौतिक गुण की बात कर लिया, तो हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या हो जाएगा? हाइग्रोस्कोपिसिटी हो जाएगा। तो भौतिक गुण देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, बजाने वाले हैं। तो कुचालक यदि विद्युत गुण पूछ लेगा तो डायरेक्ट पे टिक लगाना, याद रखना अपने माइंड में। और रासायनिक गुण पूछेगा तो वीगर एबिलिटी पे लगाना, और यदि भौतिक गुण पूछ लेता है तो हाइग्रो स्कोपिसिटी पे लगाना। तो इस यहाँ से इसको आप समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, तब टिक लगाइएगा। बाकी 83 देखिए क्या है कि हमारा 83 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कुचालकों का तापीय गुण है? तो यहाँ पे जो कुचालकों का तापीय गुण है हीट रेजिस्टेंस है। जो कुचालक का तापीय गुण होता है हीट रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उष्मीय प्रतिरोध जो होता है कुचालकों का तापीय गुण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और केमिकल रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, और वेटलेसनेस भी नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है कि नरम चुंबकीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए जो नरम चुंबकीय पदार्थ होता है उसका हम मैग्नेटिक शील्ड के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक परत के रूप में हम नरम चुंबकीय पदार्थ का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर में तो करेंगे नहीं, हार्ड ड्राइव में भी करने से पाएंगे इसका, तो फ्लॉपी डिस्क में भी करने पाएंगे थोड़ा सा बहुत, क्या अगर करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब उसके कुछ दोष उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए उसको नहीं करते हैं। बाकी मैग्नेटिक शील्ड में तो हम करते हैं इसका, चुंबकीय नरम चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका यूज करते हैं। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलिए, बाकी शेयर भी करते चलिए। बाकी देखिए 85 क्या है कि कठोर चुंबकीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कठोर चुंबकीय पदार्थ होता है उसको हम परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? परमानेंट मैग्नेट के रूप में कठोर चुंबकीय पदार्थ को, और ट्रांसफार्मर के रूप में तो नहीं करेंगे, और माइक्रोवेव के डिवाइस के रूप में नहीं करेंगे, मैग्नेटिक शील्ड के रूप में हमने बताया कि नरम नरम पदार्थ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कठोर की बात की थी, तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट चुंबक का यूज करेंगे। बाकी 86 देखिए क्या है कि फैराडे नियम के अनुसार प्रेरित वोल्टता में निगेटिव चिन्ह किस नियम के अनुसार आता है? तो जो फैराडे हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था कि एक चुंबक लिया था और एक प्रकार से परिपथ लिया था, तो उसको क्या किया था, उन दोनों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया था, मैंने प्रेरित धारा उत्पन्न की थी। तो उसमें जो है कहता है कि मतलब जब धारा इधर की तरफ उत्पन्न होती है तो क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, जब चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होता है तो एक प्रकार से विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह निगेटिव चिन्ह आ जाता है। तो इसका यूज जो किया था लेंज के नियम से हुआ था। किसके नियम से हुआ था? लेंज के नियम से अनुसार हुआ था। तो फैराडे के नियम अनुसार प्रेरित वोल्टता में निगेटिव चिन्ह किस नियम के अनुसार होता है? तो लेंज के नियम से होता है, आप इसको याद रखिएगा। एम्पियर लॉ तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ओम्स का लॉ भी नहीं होगा, ओम का नियम पता ही आपको, किरचॉफ का भी नियम पता है। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो ऐसे भी इनकरेक्ट हो गए। तो इन्हीं दोनों में जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम टाइम नहीं आते, दो ऑप्शन आपको तो पते हैं, इनकरेक्ट है तो पता ही होगा। इन्हीं दोनों में देखिए करना पड़ेगा, तो
इन्हीं दोनों में यदि आपको सोचना है तो लेंस लॉक पर आप टिक लगाएंगे, एम्पियर लॉक पर नहीं लगाएंगे। तो प्रेरित नियम के अनुसार विपरीत वोल्टता में निगेटिव चिन्ह लेंस के नियम से आ जाता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। और बाकी 87 देखिए क्या कि बैटरी की रेटिंग व्यक्त की जाती है। तो हमारा जो बैटरी होता है उसकी रेटिंग हम एएच में व्यक्त करते हैं, एम्पियर हावर में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे ए समझ लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही 87 का ऑप्शन ही सही है। तो वाट में तो करेंगे नहीं, साइमेंस भी नहीं करेंगे, ओम्स भी नहीं करेंगे। तो आप बैटरी को देखे होंगे, अभी आपके घर में बैटरी होगी तो आप देखेंगे उस पर एएच लिखा होता है, 1500 AH ऐसे लिखा होता है ना, या फिर 150 AH ऐसे लिखा होता है बैटरी पे। तो हम AH में उसकी रेटिंग को बेस करते हैं। तो 87 का आंसर आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये भी क्वेश्चन आप इसको छोड़िएगा नहीं, सारे क्वेश्चन तैयार करिएगा, क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। बाकी 87 देखिए 88 क्या है कि वोल्ट मीटर होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है उच्च प्रतिरोध मीटर जिसे समांतर में संयोजित करते हैं, मतलब वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है जिसे हम समांतर में संयोजित करते हैं। आपको पता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टता को नापता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इनका समांतर क्रम में करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है, इसीलिए हम श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं। और इसके जो क्या कहते हैं इसको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, उच्च प्रतिरोध। अच्छा आप ऑप्शन और अलग देख लीजिए, बी के अलावा उच्च प्रतिरोध मीटर जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसका उच्च प्रतिरोध तो होता है पर हम इसको श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन ए है रॉन्ग हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर सी जो है ऑप्शन सी जो है निम्न प्रतिरोध मीटर जिसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ए भी नहीं हो जाएगा। और निम्न प्रतिरोध मीटर जिसे श्रेणी क्रम में करेंगे तो ए भी नहीं, क्योंकि निम्न प्रतिरोध होता नहीं इसका मान, जो इसका जो प्रतिरोध होता है निम्न नहीं होता उच्च होता है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उच्च प्रतिरोध मीटर जिसे समांतर में संयोजित करते हैं। बाकी 89 जैसे क्या है कि एमीटर होता है, एमीटर के द्वारा हम धारा को मापते हैं, इसको भी आप याद करते चलिएगा कि धारा का मापन किया जाता है किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल गया, और यहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहा था कि वोल्ट मीटर अगर पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर द्वारा क्या नापते हैं, तो वोल्ट मीटर द्वारा हम वोल्टता को नापते हैं, तो यहाँ से विभवांतर को नापते हैं ऐसे आप कह सकते हैं। तो वोल्ट मीटर का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा और कैसे करते हैं क्वेश्चन में आपने समझाई। बाकी एमीटर देखिए क्या है कि एमीटर होता है, तो एमीटर जो हमारा होता है निम्न प्रतिरोध मीटर जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, तो एमीटर जो होता है निम्न प्रतिरोध इसका होता है और जिसे हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और किस लिए करते हैं, धारा को मापने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ से ऑप्शन डी इसका सही कर लीजिएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है कि अब बैकअप बैटरी का उदाहरण है। देखिए हमारी जो बैकअप बैटरी होता है उसका उदाहरण लिथियम और सिल्वर ऑक्साइड होता है। लिथियम और सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, बैकअप बैटरी का उदाहरण होता है। जब आप बेसिक आप इलेक्ट्रिकल बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें बैकअप बैटरी का बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि लिथियम और सिल्वर ऑक्साइड जो है इस बैकअप बैटरी के उदाहरण है। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 91 देखिए क्या कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति 50 हर्ट्ज फंडामेंटल आवृत्ति का हार्मोनिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो 50 हर्ट्ज है फंडामेंटल आवृत्ति का हार्मोनिक, यहाँ पे 100 हर्ट्ज वाला तो है, उसे 150 वाला भी है, 200 वाला भी है, पर यहाँ पे 125 वाला नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 92 देखे के आया कि निम्न में से कौन सा थर्मो सेटिंग इंसुलेटर है। तो यहाँ पे इंसुलेटर आप समझ रहे होंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है, विद्युत रोधी होता है जो धारा को रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग इंसुलेटर की बात करें तो बैकेलाइट होता है, जो कि एक थर्मोसेटिंग वो है हमारा पॉलीमर है, तो इसीलिए यहाँ पे बैकेलाइट पॉली पॉली पॉलीप्रोपीन नहीं होगा, पॉली एथिलीन नहीं होगा, पॉलीमाइड भी नहीं होगा। बाकी 93 देखिए कि निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक इंसुलेटर है। तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की बात किया है तो पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉली पॉली पॉलीप्रीन भी, पॉलीप्रोपीलीन भी है और पॉलीएमाइड भी है। तो यहाँ पे सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इंसुलेटर यानी कि थर्मोसेटिंग विद्युत कुचालक पदार्थ हैं, विद्युत रोधी पदार्थ हैं, तो आप यहाँ से इसको समझ लीजिएगा। तो आशा करते हैं जितने क्वेश्चन हमने 93 तक बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि हम आप वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कोई भी कमी वीडियो में नज़र आ रही है तो भी बताएँ, ताकि हम इसको और सुधार कर सकें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारी जो फैमिली है और बड़ी हो सके। और आप कितने लोग पास हो पाए हैं और कितने लोग जो हैं बैक लग गई है, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे से निकल गए होंगे, सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो गया होगा।
और आप लोग इस एग्ज़ाम की, मान लीजिए एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ गया है, कम नंबर आए हों उस एग्ज़ाम में और सेमेस्टर वाले में, तो इसमें आप इतनी मेहनत करिए कि वो, मतलब इतना मेहनत कर दीजिए कि दोनों जो मतलब दोनों को जोड़ा जाए तो एक अच्छा परसेंटेज बने। तो आप इसमें भी ज़्यादा मेहनत करिए, यदि आपके कम नंबर आए हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत करिए, और बाकी जिसके ज़्यादा आए हैं वो तो करेगा ही भाई, क्योंकि उसको और ज़्यादा लाना है। और बाकी इसकी बैग वक्त लग गई है, वो क्या करिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, एग्ज़ाम के बारे में पहले सोचिए, नहीं तो इसमें बैक लग जाएगी तो फिर दो बैक लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए टेंशन मुक्त होकर के, वो सब सारी चीज़ें छोड़ करके, थोड़ा सा साइड भी करके, इस एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियसली लीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको पता है थोड़ा सा नकल कर पाना या फिर और चीज़ें हो पाना मुश्किल है। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।